दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं वन प्लस 7 प्रो के कुछ ऐसे फीचर्स जो कि मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। और मेरे साथ हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए एंड्रॉयड चैनल से नमन भाई। कैसे हो भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वन प्लस 7 प्रो को। काफ़ी कुछ इसमें हमने ऐसा देखा है जो कि बहुत ही यूनिक है, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि ऑक्सीजन ओएस काफ़ी कमाल का मतलब एक ओएस है, मतलब स्टॉक एंड्रॉयड के बाद बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं ऑक्सीजन ओएस को। और इसके अंदर काफ़ी कमाल के फीचर्स भी दिए गए हैं, काफ़ी हिडन फीचर्स हैं जो कि शायद आपको नहीं पता होंगे, या हो सकता है कुछ फीचर्स पता होंगे कुछ नहीं पता होंगे। तो आज यहाँ पे सारे फीचर्स को हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस फीचर से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। और एक्चुअल में आप वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही कमाल के फीचर्स में आपको मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। लाइक का टारगेट है 15,000, जल्दी से पूरा कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिल्कुल, आगे बढ़ने से पहले आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप वन प्लस 7 प्रो की और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो, और जो हम आपको फीचर्स बताने वाले हैं आज की वीडियो में उनमें से आपका बेस्ट फीचर कौन सा है इस फोन का, कमेंट्स में बताना मुझे। तो अनुज भाई शुरू किया जाए। बिल्कुल, तो सबसे पहले यहाँ पे गाइस मैं बताना चाहूंगा आपको कि वन प्लस 7 प्रो डिवाइस में AR कोर सपोर्ट करता है ऑफिशियली गूगल की तरफ से। जी हाँ, तो इसकी मदद से आप जस्ट अलाइन टाइप के ऐप्स को यूज कर सकते हैं, जस्ट अलाइन या फिर मेजर ऐप को यूज कर सकते हैं, यानी AR से रिलेटेड बहुत सारे ऐप्स को यूज कर सकते हैं और अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे कि जस्ट अलाइन ऐप को यूज करके आप कुछ इस टाइप की ड्रॉइंग बना सकते हैं काफी कमाल की, और ओवरऑल काफी मजा आएगा आपको इसे यूज करके। बिल्कुल, बहुत सारी ऐप्स आती हैं प्ले स्टोर पे जिनसे आप और ज्यादा इसका बेनिफिट ले पाएंगे। बिल्कुल, अब बात करते हैं दूसरे फीचर के बारे में। तो यहाँ पे वन प्लस 7 प्रो डिवाइस में अनुज भाई हमें अब की बार बाय डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर दिया गया है। जबरदस्त, तो अगर आप गेम प्लेस करते हैं, उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यूट्यूब पे शेयर करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल पे चले जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे डिफॉल्ट एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपके स्क्रीन पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेटिंग्स भी मिल जाती हैं, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि किस रेजोल्यूशन में आपको वीडियो शूट करनी है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप इंटरनल ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, ये काफी कमाल का फीचर है कि अगर आपको नॉइज सराउंडिंग नॉइज नहीं रिकॉर्ड करनी है, अपनी वॉइस नहीं रिकॉर्ड करनी है, गेम प्ले कर रहे हैं सिर्फ गेम का साउंड आपको रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे ऑडियो सोर्स आप चूज कर लीजिए इंटरनल ऑडियो और सिर्फ आपका गेम प्ले का ऑडियो रिकॉर्ड होगा। तो ये काफी कमाल का फीचर है, इनबिल्ट है तो दिक्कत नहीं आ रही यूज करने में। हमने अच्छे से ट्राई किया इसको, कोई क्रैश वगैरह नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही यूज करने में। बिल्कुल, कई बार क्या होता है ना हम थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हैं तो क्रैश होने की दिक्कत आती है उसमें। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत डिफॉल्ट ही दे दिया गया है, तो ये काफी कमाल का है। और यही नोटिफिकेशन पैनल में ही आपको गेमिंग मोड भी दिया गया है, यानी कि अगर आप गेम्स खेलते हैं ज्यादा तो ये फीचर इनेबल करके रखेंगे तो काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। मतलब कि जैसे आपको हुआवे और ओनर के फोन में मिलता है टर्बो बूस्ट, रियलमी आपको देता है गेम स्पेस, वैसे ही यहाँ पर है ये गेमिंग मोड। तो अगर आप इसे इनेबल कर लेते हैं तो बेसिकली जब आप गेम प्ले करते हैं तो उस टाइम पे जो आपकी प्रोसेसिंग पावर है मोस्टली आपके उस गेम को मिलती है, यानी कि आप गेम्स को ज्यादा स्मूथली खेल पाएंगे, प्रायोरिटी गेम को ही दीजिए। बिल्कुल, और साथ में नोटिफिकेशंस को भी मैनेज करने का बहुत अच्छा ऑप्शन दिया जाता है। इवन यहाँ पे फनेटिक मोड भी ऐड किया गया है गेमिंग में, जो कि काफी कमाल लगा मुझे यूज करके। उसमें क्या होगा मैंने? मतलब बेसिकली कॉल्स आप टोटली ब्लॉक कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस को टोटली ब्लॉक कर सकते हैं जिस टाइम पे आप गेम प्ले कर रहे होते हैं, तो और साथ में कुछ और ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो ये काफी कमाल का फीचर लगा मुझे। ये भी सही है, तो अगर आपको पबजी खेलते हो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो ये फीचर आपके पबजी क्या कॉल ऑफ ड्यूटी भी चलेगा आप तो कॉल ऑफ ड्यूटी भी आ चुका है मतलब फोन के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहीं पे अगर आप नोटिफिकेशन पैनल में ही ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक और ऑप्शन भी आपको मिल जाता है जेन मोड का। जेन मोड मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा, ये एक्चुअली थोड़ा सा खतरनाक सा फीचर है। अच्छा है, लेकिन मतलब कभी आपको अपने फोन से 20 मिनट के लिए छुटकारा चाहिए तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेडिटेशन करना है, कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहां आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो ये फीचर बेस्ट है। बिल्कुल, क्योंकि आप इसको अनेबल कर लोगे आप डिसेबल नहीं कर सकते इसको 20 मिनट से पहले। 20 मिनट तक आप इसे डिसेबल कर ही नहीं सकते और फोन को आप यूज नहीं कर सकते, सिर्फ कॉल्स आएंगी और मैसेजेस आएंगे, मेन चीजें आएंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा आपके फोन में। और इवन आप अपने फोन को रीबूट भी कर लेंगे ना तब भी कुछ नहीं होगा, जेन मोड 20 मिनट के बाद ही डिसेबल होगा आपने यहाँ। लेकिन यार डिस्टर्बेंस तो हो जाएगी ना, कॉल मैसेज आएंगे तो। हाँ तो मतलब है, उसे भी शायद ऑफ करने का ऑप्शन होगा, देखना पड़ेगा थोड़ा सा, बट ओवरऑल जेन मोड काफी बढ़िया है। अगर आपको छुटकारा टाइप का चाहिए 20 मिनट के लिए तो हाँ जेन मोड को यूज कर सकते हैं आप। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे सारे नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे भाई। तो अनुज भाई हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स में, और यहाँ पे मैंने देखा है, नोटिस किया कि भाई इसके डिस्प्ले में काफी सारे फीचर्स मिलते हैं हमें, बहुत सारे हैं। तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ, काफी कमाल के फीचर्स हैं। मतलब स्टॉक एंड्रॉइड है ये, स्टॉक एंड्रॉइड टाइम, लेकिन फीचर्स इतने सारे दे रखे हैं ना, बहुत सारे बहुत सारे।
तो यहाँ पे डिस्प्ले में आपको सबसे ऊपर तो अडेप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, जनरली सभी फोन्स में मिलता है, स्लीप का ऑप्शन मिल जाता है, नाइट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपने देखा होगा ब्लू लाइट्स को फिल्टर कर देता है बेसिकली उस टाइम पे, और साथ में यहाँ पे आपको रीडिंग मोड मिल जाता है। अब ये काफी कमाल का फीचर है, ग्रेइश हो जाती है पूरी स्क्रीन, ग्रे स्केल पे हो जाएगा, और साथ में आप ना कस्टमाइज भी कर सकते हो, मान लो आप चाहते हो कोई ऐप आप ओपन करो वहां पर रीडिंग मोड एक्टिवेट हो जाए, बिल्कुल पूरे फोन में ना हो, पूरे फोन में ना हो, तो ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से, तो ये भी बढ़िया फीचर लगा मेरे। तो जैसे कि आप मान लो पीडीएफ रीडर यूज कर रहे हैं, तो पीडीएफ पे आप एक्टिवेट कर दीजिए रीडर मोड को, जब भी आप वो ऐप ओपन करेंगे रीडिंग मोड आपका एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे अनुज भाई ये फीचर भी आपको भी शायद पसंद आया होगा, स्क्रीन कैलिब्रेशन का, ये बहुत बढ़िया है। इसमें अगर हम जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे विविध या फिर नेचुरल सिलेक्ट है, यानी कि बेसिकली आप अपने कलर टोन को सेट कर सकते हैं डिस्प्ले की, तो उसके बाद यहाँ पे एडवांस का एक ऑप्शन मिल जाता है। नहीं, एडवांस में आने के बाद तो आपको, तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस अलग अलग मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि भाई आपको कौन से टाइप के कलर्स पसंद हैं आपकी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और आप मैन्युअली भी इसे ट्वीक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इसके बाद अगर हम चलते हैं यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे, देखो जो OnePlus 7 Pro है वो आता है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, लेकिन आप इसको 60Hz पे भी सेट कर सकते हैं। बिल्कुल, अब आप सोचो कि हम ऐसा क्यों करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पे हम बेसिकली बैटरी सेव करना चाहेंगे अगर, तो हम 60Hz पे ही रिफ्रेश रेट को रखेंगे, तो अगर आपको फ्लूइड एक्सपीरियंस चाहिए तो आप 90Hz पे रख सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम घर से बाहर हैं, हम चाहते हैं बैटरी हमारी जल्दी डाउन ना हो, तो ऐसे में आप 60Hz पे सेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ से आप इसे 60Hz पे सेट कर सकते हैं स्क्रीन रिफ्रेश रेट को, और उसी के साथ यहाँ पे रेजोल्यूशन का एक ऑप्शन भी मिल जाता है, ये भी बैटरी सेविंग में आपकी हेल्प करेगा। बिल्कुल, तो जैसे कि आपको पता होगा कि OnePlus 7 Pro डिवाइस में आपको 2K यानी क्वाड HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑटो स्विच का, अगर आप चाहें तो ऑटो स्विच कर सकते हैं, जिस टाइप का कंटेंट होगा उस टाइप से ये रेजोल्यूशन को चेंज करेगा। अगर आप सिर्फ क्वाड HD प्लस को यूज करना चाहते हैं तो अगर इसमें सेलेक्ट कर देंगे तो क्वाड HD में पूरा रेजोल्यूशन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, लेकिन अगर आपको थोड़ी बैटरी सेव करनी है तो आप यहाँ पे फुल HD प्लस में स्क्रीन को सेट कर सकते हैं रेजोल्यूशन को, और आपकी बैटरी भी सेव हो जाएगी और ओवरऑल आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी। फुल HD प्लस में भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा डिस्प्ले आपको दिखेगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत फर्क देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इसके अलावा अगर आपको अपने फोन में वीडियो देखना पसंद है तो आपको यहाँ पर अलग से ऑप्शन मिलते हैं वीडियोस के लिए। जी हाँ, यहाँ पे अनुज भाई वीडियो एनहेंसर का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि अगर आप वीडियोस प्ले करते हैं अपने फोन पे तो इस ऑप्शन को इनेबल करके रखेंगे तो आपको ज्यादा विविध कलर्स देखने को मिलेंगे, ज्यादा पंची कलर्स देखने को मिल जाएंगे, तो इस ऑप्शन को इनेबल करके रख सकते हैं, और अगर आपको एनहेंस्ड वीडियो देखनी है तो अगर आपको नेचुरल कलर पसंद है तब आप इसे पंगा मत लीजिए। बिल्कुल, बाकी वीडियो देखने का एक्सपीरियंस तो इसमें नेक्स्ट लेवल का होता है इस फोन में। बिल्कुल, जो डिस्प्ले आपको मिलता है इसमें जबरदस्त है, HDR 10 प्लस को भी ये सपोर्ट करता है, तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप HDR 10 प्लस कंटेंट को भी मजा मतलब ले सकते हैं, सर्टिफाई है काफी कमाल का लगता है। बाकी यहाँ पर आपको जैसे कि सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है, तो ऐसे में डिस्प्ले को लेकर यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस आपको दी गई हैं, जैसे कि जैसे आपको मिलता है सैमसंग के फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, उस टाइप का यहाँ पर भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल अंश भाई, यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन पहले तो मिलते हैं जब इसके अंदर जाएंगे, पिकअप योर फोन टू शो, तो जैसे आप इसे इनेबल कर देते हैं, और टैप स्क्रीन टू शो वाला ऑप्शन भी मिलता है, अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो जैसे ही आप फोन को पिक करेंगे तो आपका जो एम्बिएंट डिस्प्ले है वो इनेबल हो जाएगा, और एम्बिएंट डिस्प्ले में बेसिकली आपको कुछ नोटिफिकेशन दिख जाएंगे और टाइम दिख जाएगा, डेट दिख जाएगा, और इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी क्लॉक स्टाइल को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ से, किस टाइप की क्लॉक आपको दिखानी है एम्बिएंट डिस्प्ले के अंदर, तो ये फीचर काफी सही लगा। सही है, बाकी ये तो आप कमेंट्स में, आपको ऐसा डिस्प्ले पसंद है जिसमें आप पिक करके देख पाओ क्या टाइम है क्या है, या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पसंद है जैसे कि सैमसंग देता है, कमेंट्स में बताना मुझे। बिल्कुल, और दोस्तों अगर आपको थीम वगैरह चेंज करनी है, डार्क मोड चाहिए या और कुछ कलर चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। जी हाँ, यहाँ पे थीम्स के अंदर आप डार्क मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर लाइट मोड, या फिर कलरफुल, देख सकते हैं जिस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे उस तरह से आपकी स्क्रीन यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, और उस तरह से सारे आइकन्स और वो सारे चेंज हो जाएंगे, ओवरऑल आपके फोन में पूरी तरह से थीम अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ आप थीम तो चेंज कर ही सकते हैं, साथ में मान लो आप चाहते हैं जो आपने कपड़े पहने हैं जिस कलर के वैसे ही आपके फोन की थीम हो, तो वो भी आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है, कलर को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टमाइज कर पाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे एक्सेंट कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे जाके आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपके डिवाइस में जो बटन्स हैं, जो बार्स हैं, जो टॉगल्स हैं, वो किस कलर में दिखें। और दोस्तों यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी और भी चीजें हैं इसमें, जैसे कि आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे,
जी हाँ, यहाँ पे फॉन्ट साइज को आप चेंज कर सकते हैं और साथ में डिस्प्ले साइज को भी चेंज कर सकते हैं, छोटा या बड़ा रख सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। और साथ में यहाँ पे स्टेटस बार की सेटिंग भी दी गई है, इसमें जाके आप बैटरी स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं और साथ में बैटरी का परसेंटेज भी शो कर सकते हैं स्टेटस बार में। और डिस्प्ले नेटवर्क स्पीड कर देंगे तो जो नेटवर्क की डाउनलोड अपलोड स्पीड होगी वो रियल टाइम में आपको स्टेटस बार के ऊपर दिखती रहेगी। तो दोस्तों इसमें क्या है कि छोटी छोटी बातों के लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी, ये मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे पॉइंट के बारे में जो कि सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वन प्लस 60 का। आप सब जानते हैं जो वन प्लस 60 था उसका लाउड स्पीकर उतना अच्छा नहीं था, तो यहाँ पर उस कमी को पूरा कर दिया गया है वन प्लस 7 प्रो में। जी हाँ, यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स तो मिलते हैं इस डिवाइस में भी, काफ़ी कमाल का आउटपुट मिल जाता है, साथ में डॉल्बी एटमॉस को भी ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे साउंड वाले ऑप्शन में जाके आप इसे भी इनेबल कर सकते हैं और इसके साथ थोड़ा ट्वीक करके और आप काफ़ी कमाल का साउंड आउटपुट। अब जैसे आपको यहाँ पर फुल व्यू डिस्प्ले मिल रहे हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पर जेस्चर्स के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप बटन्स को हाइड कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं ये आप देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे बटन्स एंड जेस्चर्स वाले ऑप्शन पे जब आप जाते हैं तो अलर्ट स्लाइडर का फीचर मिल जाता है जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें होता ही है, और उसके साथ नेविगेशन बार एंड जेस्चर्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप जाके चूज कर सकते हैं कि आपको किस स्टाइल में नेविगेशन बटन्स को रखना है, और एक्चुअली में आपको बटन्स चाहिए या फिर आपको जेस्चर कंट्रोल चाहिए। जेस्चर कंट्रोल इसका काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया तरीके से काम करता है, बहुत स्मूथ चलता है, काफी सही से काम करता है। तो जेस्चर फुल स्क्रीन जेस्चर्स को भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ अब तक मैंने जितने भी फुल स्क्रीन जेस्चर्स यूज किए हैं इसका मुझे सबसे बेस्ट लगा। जी हाँ, और यहीं पे आपको क्विक जेस्चर्स का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको काफी धांसू टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं, मतलब भौकाल वाले फीचर्स मिल जाते हैं एक्चुअली इसमें। इसके अंदर जाएंगे तो फ्लिप टू म्यूट का फीचर मिल जाता है आपको, यानी कि रिंग हो रहा है फोन को फ्लिप करेंगे तो ऑटोमेटिकली म्यूट चला जाएगा। और थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट का फीचर मिल जाता है, इसे भी आप इनेबल करके रख सकते हैं। आपको आंसर कॉल बाय जेस्चर, ये वाला फीचर मेरे को पर्सनली काफी सही है, सही लगता है। रियलमी के डिवाइस में भी हमें फीचर मिलता है, भी देते हैं जैसे फोन हमारे फोन में मतलब कॉल आ रही है और फोन को पिक किया और ऐसे कान के पास रखा, ऑटोमेटिकली कॉल पिक हो जाएगी। तो ये फीचर काफी मजेदार लगता है। और इसी के साथ यहाँ पे आपको डबल टैप टू वेक का फीचर भी मिल जाता है, बहुत बढ़िया, तो ये भी बढ़िया है। मतलब यार बहुत सारे फीचर्स हैं छोटे छोटे, बिल्कुल। और स्क्रीन ऑफ जस्टिस भी हैं, जैसे कि आप ड्रॉ ओ करेंगे तो आपको क्या चाहिए, कैमरा ओपन करना है या फिर कोई ऐप ओपन करना है, वो सब चीज भी आप कर सकते हैं कि स्क्रीन ऑफ जस्टिस भी इसमें आपको मिल जाते हैं। ये स्टार्टिंग से ही वन प्लस देता आ रहा है, वन प्लस टू में भी ये फीचर्स हमें मिल रहे थे, काफी बढ़िया फीचर्स हैं। और दोस्तों आपको गूगल की तरफ से यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एडेप्टिव बैटरी का, इसमें क्या होगा जैसे जैसे आप अपने फोन का यूज करते जाओगे ये आपके यूजर पैटर्न को रीड करता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये सेट करेगा आपके फोन की बैटरी को, कैसा यूजेज चाहिए आपको। जी हाँ, जैसे जैसे आप ऐप्स को यूज करते जाएंगे तो ये आपके पैटर्न को समझ लेगा कि हाँ भैया आप फ्रीक्वेंटली कौन से ऐप्स को यूज करते हैं, तो उनको प्रायोरिटी पे रखेगा और बाकी ऐप्स को ये किल करके रखेगा ताकि आपकी बैटरी थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए चल सके। तो ये गूगल की तरफ से आने वाला काफी कमाल का फीचर था जो कि एंड्रॉइड पाई में इन्होंने दिया था और ये फीचर भी रिटेन किया है OnePlus ने, तो ये काफी कमाल की बात है। और साथ में आपको पैरेलल ऐप का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि ड्यूल ऐप आप यूज कर पाओगे इस फोन में, ऐप लॉक का भी आपको फीचर मिल जाएगा, यहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट से आप ऐप को भी लॉक कर पाएंगे। फिंगरप्रिंट इसका बहुत ही फास्ट है, जितना बहुत ही ज्यादा ब्लेजिंग फास्ट मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इतना फास्ट, मैंने भी मतलब इतना कमाल का है कि कई बार ये जो रेगुलर फिंगरप्रिंट है उसे भी पीछे छोड़ रहा है। बिल्कुल, अभी हमने टेस्ट किया है एक के साथ। और साथ में यहाँ पे आपको क्विक रिप्लाई इन लैंडस्केप का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप गेम प्ले कर रहे हैं कुछ ऐसा कर रहे हैं लैंडस्केप मोड में, वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे कोई नोटिफिकेशन आती है तो यहाँ से आप सिलेक्टेड ऐप्स को रिप्लाई कर सकते हैं लैंडस्केप मोड में, अलग से आपको एक कीबोर्ड आ जाएगा और उसके थ्रू आप सिंपली यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं उस ऐप को, तो पूरी तरह से इंटरप्टेड नहीं होंगे, यानी कि पूरी तरह से दिक्कत नहीं होगी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम पे, और आप रिप्लाई भी कर पाएंगे वहीं पे। और साथ ही यहाँ पे इसके डिफॉल्ट गैलरी ऐप के अंदर आपको वीडियो एडिटर का ऑप्शन भी मिल जाता है, बेसिक सा वीडियो एडिटर ऐप मिल जाता है यहाँ पे, जिसमें कि आप वीडियोस को ट्रिम कर सकते हैं और उसमें कुछ इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं और कुछ म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं, तो चाहे तो इसे भी यूज कर सकते हैं आप। तो क्या मैं इसमें अपनी यूट्यूब वीडियोज एडिट कर सकता हूँ? नहीं, उसके लिए नहीं, क्योंकि जंप कट्स नहीं लग पाएंगे। सिंपल उसके लिए, सिंपल ट्रिमिंग कर सकते हैं और बस यही सब कर सकते हैं इसमें। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर आपको मिलते हैं रियर में ट्रिपल कैमरा, जो प्राइमरी कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX 586, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डिफॉल्ट में ही 48 मेगापिक्सल यूज कर पाओगे, डिफॉल्ट ये रहेगा 12 मेगापिक्सल 1.6 माइक्रोन पिक्सल साइज के साथ। अगर आपको यूज करना है 48 मेगापिक्सल तो आपको इन सेटिंग्स को यूज करना होगा।
जी हाँ, यहाँ पे आपको कैमरा ऐप ओपन करके नीचे से जब आप ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो प्रो मोड मिल जाता है। तो प्रो मोड के अंदर जब आप जाएंगे तो ऊपर की तरफ आपको JPEG 48 मेगापिक्सल का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली उस पर जाके आप चूज कर सकते हैं कि 48 में कैप्चर करनी है या फिर 12 मेगापिक्सल में आपको इमेज कैप्चर करनी है। साथ में रॉ कैप्चर का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब क्योंकि इस डिवाइस में कैमरा 2 API बाई डिफॉल्ट सपोर्ट करता है, Level 3 पे सपोर्ट करता है, तो जी कैम का सपोर्ट पूरी तरह से आएगा इस डिवाइस के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हमने बोर्ड ढूंढा है, हमको कोई स्टेबल अच्छे से बोर्ड नहीं मिला। चल तो रहे हैं लेकिन कुछ कुछ इश्यूज हैं, लैग कर रहे हैं थोड़ा सा। तो जी कैम अभी प्रॉपरली चलता हुआ मिला नहीं है, जैसे मिल जाएगा अगर इन फ्यूचर तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोशिश करेंगे हम अलग से वीडियो ला पाए तो वो भी लेंगे। बिल्कुल, अगर डेडिकेटेड वीडियो बनती है उसके ऊपर तो वो भी ट्राई करेंगे। बाकी और भी कुछ छोटे छोटे ऐसे फीचर्स हैं होम स्क्रीन सेटिंग्स में जिनको आप यूज करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा और इनहेंस हो जाएगा इस फोन को यूज करने का। जी हाँ, यहाँ पे होम स्क्रीन पे आप जब प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो होम स्क्रीन सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको काफी कमाल के अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, कि जैसे देख सकते हैं कि स्वाइप डाउन वाला फीचर मिल जाता है। अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो कहीं से भी आप स्वाइप करेंगे स्क्रीन पे तो नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे आप अगर चाहें तो आइकन पैक को भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको राउंडेड चाहिए या फिर रेक्टेंगुलर चाहिए, किस टाइप का चाहिए उस टाइप से यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इन सेटिंग्स को भी आप देख सकते हैं अगर थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन आपको अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये थे कुछ फीचर्स OnePlus 7 Pro के। हमें उम्मीद है कि आपको ये फीचर्स पसंद आए होंगे। तो भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।